बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों आप देख रहे हैं सरगोधा फ्रूट मार्केट चैनल। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, यहाँ पर फड़िया हज़रात इस वक्त जापानी फल तैयार कर रहे हैं। और ये दोस्तों इस वक्त फैक्ट्री में माल तैयार किया जा रहा है। जापानी फल पहले कार्टन में से निकाला जाता है और उसको दोबारा से रीपैकिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से माल को दोबारा से रीपैकिंग किया जा रहा है। और आपको करीब से दिखाते हैं कि यहाँ पर ये देखें, पहले कारपेट भी लगाया जा रहा है दोबारा से, ताकि तय को उठाना ना पड़े। और कारपेट नहीं, ये भाई चैना पुड़ी आई दोस्तों, चैना पुड़ी लगाई जा रही है इस वक्त। अभी इसको तैयारी के मराहिल में तो मुख्तलिफ फड़िया हज़रात इस वक्त मौजूद हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं। और जिस तरह से पैकिंग की जा रही है, आपको सारा तरीकाकार आपको विज़िट करवा रहे हैं इस वक्त। और दाने को किस तरह से लगाया जाता है, डंडी के साथ, डंडी को जोड़कर, डंडी के साथ डंडी को जोड़कर लगाया जाता है, ताकि दाना जख्मी ना हो सके, कोई मसला ना बन सके। और इसी तरह से इसको फिर बंद किया जाएगा, दोबारा से टेप लगाई जाती है और कार्टन इसी तरह से तैयार किए जा रहे हैं। जो दाने इसमें से तैयार हैं उनको अलहदा किया जा रहा है, ताकि जब इसको रखा जाएगा कारपेट लगाने के बाद चैना पुड़ी लगेगी उसके बाद, ताकि ये ख़राब ना हो सके और माल बिल्कुल महफूज रहे और बिल्कुल उसमें से कोई दाने ख़राब ना हो सके, उसकी क्वालिटी बरकरार रहे। और माशाल्लाह एक फड़िया हज़रात हमारे सामने मौजूद है, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि सर ये सारा प्रोसेस इसमें कितनी मेहनत होती है। ये बहुत मेहनत होती है जी, पहले बाग खरीदे जाते हैं जी, सारे गर्मी बेचारे खरीदते हैं जी जी, फिर इसको तोड़ाते हैं उधर जी जी, मजदूर थोड़ी सी बगैरती कर जाते हैं, बगैर कैंची से भी ऐसे खाई देते हैं, तो नुकसान हो जाता है हमारा। ये मतलब कि इस वजह से उसको अलहदा किया जा रहा है, तो फिर अलहदा करने पड़ते हैं, वरना कारपेट लगाए फिर वो खराब हो जाता है, दागी हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से अगर आप इसको रख दें और दो दिन तीन दिन के बाद जब तैयार होगा, तो वो दाने जो जख्मी है वो नुकसान करेंगे, वो कार्टन को खराब करेंगे, कार्टन गीला हो जाता है, कार्टन को गीला करेंगे, लेता नहीं है वो। ठीक ठीक, यानी कि उसका रेट कम हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। आप ये थे हमारे साथ मार्केट के फड़िया हज़रात शाहिद भाई, और यहाँ पर चौरी बशीर साहब भी मौजूद हैं जो अभी रीपैकिंग कर रहे हैं कार्टन को, बाहर माल निकाल रहे हैं इस वक्त जापानी फल। और अभी जापानी फल को दोबारा से रीपैकिंग की जाएगी और इसमें से नाकस दाने निकाले जाएंगे। बहुत मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा रिज़क अता करे, बहुत मेहनत करते हैं भाई हमारे। और इनके असिस्टेंट इधर मौजूद हैं जो अभी कार्टन को खोल रहे हैं और दोबारा से बंद कर रहे हैं, टेप लगा रहे हैं, ये एक साइड पर रखते जा रहे हैं साथ साथ। और हम इनका फेस दिखाएँगे आपको, फ्रंट व्यू से, और ताकि आपको पता चले कि ये कितनी मेहनत कर रहे हैं। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चाइना पुड़ी है, इसको पहले गीला किया जाता है पानी में, और उसके बाद एक एक पुड़ी को लेदर लेदर रख के इसको खुश्क किया जा रहा है। और जब थोड़ा सा खुश्क हो जाएंगी तो फिर दोस्तों इसको दोबारा से कार्टन में लगाया जाता है। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, अल्लाह ताला इनको ज़्यादा रिज़क अता करे, बहुत मेहनती है माशाल्लाह। और ये असिस्टेंट हैं बशीर भाई के, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, निज़ाम कैसा चल रहा है? जी वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर ये कितने दिन में तैयार हो जाएगा? ये बस परसों निकलेगा जी, परसों निकल आएगा माशाल्लाह। ये आज चाइना पुड़ी और ये ना, तो ये कल का दिन छोड़ के परसों इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा, मार्केट में आ जाएगा। तो सर ये आपने कितने में लिया है? ये सीक्रेट बात होती है, ये नहीं हम बताते। अच्छा, 500 कुछ, 450 कुछ, 600 ऐसे बिकता है जी, बिकता है। तो आगे जो आप किस रेट में सेल करेंगे? वो ग्राहक की मर्जी होती है जी, 600 का भी ले जाते हैं, 550 का भी ले जाते हैं, 500 का भी ले जाते हैं। इसमें जापानी में इतनी आमदनी नहीं होती, ये 10-20 इसमें 10-20-30 रुपये की कहानी होती है, इतनी भी ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। ये थे हमारे साथ शाहिद भाई फड़िया हज़रात हैं, और बशीर साहब फड़िया हज़रात हैं, बड़े किंग फड़िए हैं माशाल्लाह। इस वक्त वो जापानी फल को दोबारा से रीपैकिंग कर रहे हैं। इनके साथ हाजी
शौकत साहब भी होते हैं माशाल्लाह, लेकिन आज वो गैर हाजिर हैं। आजकल ऐसा क्यों लगे हुए हैं? हाजी शौकत साहब इस वक्त मार्केट में आए नहीं हैं, आज गैर हाजिर हैं, वरना हम उनसे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर हम उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मार्केट की क्या सूरत हाल जा रही है इस वक्त। और आप सब दोस्तों के ताबुन का शुक्रिया। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से आप हमारे चैनल पे हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आप सब दोस्तों के ताबुन का शुक्रिया। मिलते हैं आपको किसी दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। फ़िलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।